सब सप्लीमेंट्री प्लीज। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। एक तो ये सवाल बिल्कुल मुझे मुख्सिन अजीज साहब से इत्तेफाक है, ये इनकम्प्लीट जवाब इन्होंने दिया है, सिर्फ 14। और आप देख लें कि लिखा है कि इसकी तफसीलात काबीना डिवीजन के पास दस्तियाब नहीं है, इस सिलसिले में मुतालिका वजारतों डिवीजन दफातर से पूछा जा सकता है। तो भाई पूछ लेना, हमने तो आपसे पूछा है, आप उनसे पूछ लें। और ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है बड़ा खौफनाक है, बड़ा खौफनाक है और बड़ा बेरहम है। सिर्फ 14 अफराद के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पे सैकड़ों लोगों के पास है और सैकड़ों लोग जो हैं इस तरह के प्रोटोकॉल कल्चर को वो इंजॉय कर रहे हैं। तो इसकी पूरी तफसील आनी चाहिए हाउस के सामने। हमें तो मालूम है कि पता नहीं कितनी सदियों से हमारा यही काम चल रहा है कि हम प्रोटोकॉल के ऊपर बिलीव करते हैं, और यहाँ पे तो ये प्रोटोकॉल का कुछ दिया ही नहीं गया। अलबत्त बाज़ लोगों का तो मुझे तशवीश भी है कि इसको उनको क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई थी, जिस तरह के PAC चेयरमैन साहब हैं इनको भी इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी, एक अताउल्ला तारर साहब हैं उनको भी इन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी, इनकी कौन सी ऐसी पोस्ट थी, इनको कैसे ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट थी, वो तो सबको है, तो इनके क्या क्राइटेरिया थे कि इनको गाड़ियाँ दी गई। और बहरहाल ये ओवरऑल जो जवाब है जो प्रोटोकॉल के मुतालिक है कि कितनी गाड़ियाँ किस किस के पास हैं क्या हैं, तो इन्होंने बिल्कुल इसको अच्छा जवाब नहीं दिया, बिल्कुल एक डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया जबकि जवाब पूरा नहीं आया जी। सेनेटर सादिया अब्बासी साहब ने कहा है और मुश्ताक साहब ने कहा है, मैं उसकी पूरी हिमायत करता हूँ। और सर ये याद रखें, अगर हम लोगों ने इन किसी को भी एक इंच दे दिया सर, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर वन, इनमें से कोई बिल ऐसा नहीं है जो 1.5 माह वेट ना कर सके। एक तकरीबन 40 दिन की बात है, ऐसी इसमें क्या इमरजेंसी है कि ये 40 दिन वेट नहीं कर सकता। 8 फरवरी के बाद इंशाल्लाह ताला PTI की गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसके बाद ये कर लेंगे, ले हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये गलत रिवायतें डालनी शुरू कर दी, जो पहले भी हम लोगों ने जुलाई में इस किस्म के बिल पास किए जो अभी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो सर इसके प्लीज ना करें। और ये तो बहुत गलत बात है, इनका ना मैंडेट था, ना है, ना होना चाहिए। अगर हम लोग आज अपने पांव इसके ऊपर नहीं रखेंगे तो सर कल को हम लोग ही खमियाजा भुगत रहे होंगे। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम फलता फूलता नहीं है सर, इस वजह से कि हर चंद दिन बाद उसके ऊपर शब खून मारा जाता है। सर ये तरीका अगर आपने करना है तो फिर एक काम कर ले, इनको पक्का मैंडेट दे दे, हम लोग चले जाते हैं, ये लोग चलाते रहे, हमारा फिर क्या ताल्लुक है इधर से। लेकिन डोंट डू समथिंग सर, ये आप जिस सीट पर बैठे सर ये आपका प्रेरोगेटिव है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू होल्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टीम एंड डोंट लेट देम इवन पुट दिस बिल इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। दैट इज द राइट थिंग टू डू सर। चेयरमैन साहब, मैं अपने साथी सेनेटर्स की इस बात की मुकम्मल तायद करता हूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट का यह मैंडेट नहीं है कि वो कानून साजी शुरू कर दे, और ये ब्लैंकेट कवर नहीं दिया जा सकता। और ये पहला बिल आप देख लें, मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस। हाँ, अगर वो हमें ये बताएं कि कोई ऐसी चीज़ है जो मुल्क के हवाले से, हालात के हवाले से नहायत नागुजीर है, तो वन टाइम एक्सेप्शन उसकी बात हो सकती है। मगर अगर आप इस तरीके से एक लेजिस्लेटिव एजेंडा आना शुरू हो जाएगा और एक ब्लैंकेट कवर मिल जाएगा, तो ये वो रवायत है जो कि मैं समझता हूँ किसी तरह से भी ना पार्लियामेंट के मफाद में है ना मुल्क के मफाद में है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को देखें और ये जो रवायत है इसको आगे मत चलने दें। मिस्टर चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर 51। आंसर टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, इसके ऊपर बहुत से सवाल आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये करप्शन का एक गढ़ है। आप अंदाज़ा कर लें कि F14, F15 सेक्टर्स, 12 होटलियाँ, इसमें करोड़ों रुपए लोगों से वसूल किए गए हैं और उसके ऊपर सूद भी लिया जा रहा है। जो मुतालिका डिपार्टमेंट हैं उनके लोग लाखों में तनख्वाह, मराहत और एजाजिए ले रहे हैं, TADA ले रहे हैं, लेकिन 20-30 साल से लोग ख्वार हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद प्रोफेसर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने यहाँ पे पेश कर ली। तो मैं तो इनके सवाल से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ।
ये 5-6 स्कीम जो है इनके नाकाम हो चुके हैं और ये 5-6 और के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है। मैं समझता हूं इनके पूरे मामलात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इसे आप कमेटी के अंदर भेज दें। ऑनरेबल प्लीज, इन्होंने ऑर्डिनेंस ले कर रहे हैं और इशू कर रहे हैं, ये मिस यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 89 है। इस वक्त ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 230 के मुताबिक ये सिर्फ डे टू डे मैटर के लिए है। अगर ये कानून साजी शुरू कर ले, और कानून साजी कौन सी, स्ट्रेटेजिक कानून साजी, आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके एक्ट के अंदर तरामीम है, आपके जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके अंदर तरामीम है, तो ये तो बड़े स्ट्रेटेजिक इशू हैं, ये तो डे टू डे मैटर नहीं है। इस वक्त पार्लियामेंट मौजूद नहीं है और इस वक्त ये ऑर्डिनेंस ले होना, ऑर्डिनेंस का इशू होना, ये पार्लियामेंट को बाईपास करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करना है, ये पाकिस्तान के जमहूर और आवाम को बाईपास करना है। इसकी कतन इनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये अपने मैंडेट से ओवर स्टिपिंग है। केयर टेकर गवर्नमेंट के पास सिरे से ये इख्तियार नहीं है कि वो लेजिस्लेशन करें, और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास सिरे से ये इख्तियार नहीं है कि वो IMF के दबाव में, वर्ल्ड बैंक के दबाव में वो कानून साजी करें जिससे आवाम और आवाम के नुमाइंदे बेखबर हों। इसको किसी सूरत में ले नहीं होना। थैंक यू जी। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मेरा सवाल नंबर 2 है, और ये काबीना डिवीज़न की जो गाड़ियां इन्होंने ख़रीदी हैं 2022 से 2023 के अरसे में, और इन्होंने एक ख़ास जवाब दिया है जो इनका खासा है, सवाल कुछ जवाब, क्या कहते हैं, सवाल चना और जवाब गंदुम, ये इस किस्म का इन्होंने जवाब दिया। मुझे पहले तो ये बताएं कि कैबिनेट डिवीज़न से यहाँ पे कौन मौजूद है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग दिस आंसर। मैडम आप उधर छोड़े, मिनिस्टर से पूछे, नहीं तब तो वो नहीं आ सकते हैं। ऑफिसर जवाब ही नहीं लिखा हुआ सर, सारा काम तो वो आप मिनिस्टर से सप्लीमेंट्री करें प्लीज। सर सप्लीमेंट्री, सर इसमें जवाब ही नहीं है। उन्होंने लिख दिया है कि जो जवाब में उन्होंने उन गाड़ियों का हिसाब दे दिया है जो 29 सीटर है और रूल 28 के मुताबिक, सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं है। सर ये क्या समझते हैं हमें, हम कोई जाहिल अनपढ़ यहाँ बैठे हैं, हमें समझ ही नहीं आती सवाल हम कुछ। और सर ये एक सवाल का नहीं है, हर सवाल के साथ ये होता है, जब हम कोई पैसे की बात करते हैं, जब हम इखराजात, गाड़ियों, प्रोटोकॉल की बात करते हैं, सवाल हम कुछ करते हैं, जवाब ये जो इनका दिल आता है करते हैं, और इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर हमारा यहाँ बैठना सरासर ज़ाया होता है, हमारा हंसी मजाक बनाया जाता है कि सेनेट में बैठे सेनेटर सवाल करते हैं और इस किस्म के जवाब दिए जाते हैं। वजीर साहब हमारे पार्लियामानी अमूर के तो बहुत आला इंसान है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं सर। अभी मैडम इसका आप एक दफा स्पेसिफिक सवाल करें ना उनसे, पूछ सर स्पेसिफिक सवाल, मैं पढ़ देती हूँ फिर। सर सवाल ये है कि विल द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कैबिनेट डिवीजन बी प्लीज टू स्टेट द मेक मॉडल एंड कैटेगरी ऑफ द व्हीकल्स इंपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम May 22 टू July 23, इंडिकेटिंग ऑल्सो द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। ने जवाब दिया कि जो इंपोर्ट किए उन्होंने बताया, ये इंपोर्ट किए गाड़ियां, तो उन्होंने सिर्फ एक रूल के जवाब में बताया, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। सर ये ना हमारे साथ करें। सर मैं तो इस सारी ये जो एक पूरी हम कमेटी भेज दो इसको ताकि उधर डिस्कस करें। सर उधर सेक्रेटरी साहब आए कैबिनेट जी, वही आएंगे जी, बिल्कुल। ओके जी।